तो अब टाइम आता है मसल बिल्ड करने का। बिना डंबल्स के कुछ नहीं कर सकते, यही सच है। तो आप लोग ने अच्छा भाई लोग, तो मैं मेरी रिसेंटली वीडियो में ये कहा था कि बिना डंबल्स से कुछ नहीं कर सकते। इस बात को लेके बहुत लोग ने कमेंट किया कि भाई तू गलत बोल रहा है, बिना डंबल्स से सब कुछ कर सकते हैं और कैलिस्थेनिक से प्रोग्रेशन कर सकते हैं। तो भाई मेरे बोलने का ये मतलब था, अगर डंबल से ट्रेन करेंगे तो बहुत जल्द मसल बिल्ड भी कर लेंगे। हाँ, तो मैं कैलिस्थेनिक्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले मैं भी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से ही करता था और आप लोग ने शायद सही से सुना नहीं। अगर आप टोटल बिगिनर हैं, फर्स्ट कोई भी कैलिस्थेनिक ऐप डाउनलोड करो, हज़ारों के पड़े हैं। सेकंड, पहले 3 महीने तक फुल बॉडी वर्कआउट ही करना, जो ओवरऑल बॉडी ट्रेनिंग आती है उस प्रोग्राम को बिना रुके करते रहो 3 महीने। तो अब टाइम आता है मसल बिल्ड करने का, बिना डंबल्स के कुछ नहीं कर सकते, यही सच है। तो ये कहा था मैंने, और आप लोगों को पता होगा शायद कि पहले 4 महीनों तक मैंने बॉडी वेट एक्सरसाइज से ही की, उसमें फर्स्ट 3 मंथ्स मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए और 4th मंथ में मुझे उतना बदलाव अच्छा देखने को नहीं मिला। मुझे लगा कि मेरे एक्सरसाइजेस काम नहीं कर रहे हैं, अभी मुझे प्रोग्रेस करना चाहिए या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए डंबल से। मानता हूँ बॉडी वेट एक्सरसाइजेस में पुशअप्स, पुलअप्स, डिप्स और स्क्वाट्स एसेंशियल हैं मसल ग्रोथ के लिए, लेकिन साइमल्टेनियसली डंबल से ट्रेनिंग भी ज़रूरी है मसल बिल्ड के लिए। और एक बात बताना, अगर बिना डंबल्स के सब कुछ कर सकते हैं तो अपने बाइसेप्स को ट्रेन कर सकते हैं, बैक मसल्स में ट्रैप्स और लैट्स को, शोल्डर मसल्स में रियर डेल्ट्स को। नहीं ना, मैं 100% बोल सकता हूँ कि बिना डंबल्स के सब कुछ तो नहीं कर सकते। एक और बात, जो लोग बॉडी बिल्डर्स हैं एकदम बड़े बड़े और मस्त, तो ये लोग क्यों कैलिस्थेनिक से प्रोग्रेस नहीं करते, डेली जिम जाते हैं और वेट्स को लेके खेलते हैं? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग बहुत जल्द काम करता है वेट लिफ्टिंग से, जिसे हम लोग हाइपरट्रॉफी कहते हैं। और किसने कहा कि होम वर्कआउट में सिर्फ बॉडी वेट से ही करना चाहिए? डंबल से ट्रेन करना बुरी बात तो नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ डंबल्स हर किसी के पास नहीं होते। अगर बॉडी बनानी है फ्री में घर पे, तो घर पे कुछ भी जुगाड़ करो, ब्रिक या लकड़ी को लेके करो, या फिर 2.5 लीटर के बॉटल में पानी भर के करो। और भी भारी वेट चाहिए तो स्कूल बैग की मदद से भी कर सकते हैं। एक और बात, इंटरनेट पे काफ़ी सारे फॉलो अलोंग वीडियो सब लोग को मिल जाएंगे, उसमें बंदा बाइसेप्स पुशअप्स कर रहा होता। क्या बाइसेप्स पुशअप्स? और पब्लिक क्या समझती है, उसके बाइसेप्स पुशअप्स करके गेन हुए? तो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, उसका इंस्टाग्राम भी उठा के देखो, वो यूं देखो, यूं कर्ल कर रहा होता, यूं ऐसा ऐसा कर्ल कर रहा होता। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, मतलब पीछे कुछ और सामने कुछ और। तो ये वीडियो का कंक्लूशन ये है, 70% मसल बिल्ड डंबल से करना चाहिए और बाकी के 30% पुशअप्स, पुलअप्स, डिप्स और स्क्वाट्स और एब्स एक्सरसाइजेस करना चाहिए, तभी आपका होम वर्कआउट सक्सेसफुल रहेगा और आपके रिजल्ट्स एकदम 100% रहेंगे। और ये वीडियो 100% यूजफुल रहेगी, अगर रहे तो प्लीज़ एक लाइक और साथ ही साथ एक मस्त कमेंट छोड़ के जाना। और कुछ भी डाउट आया तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यूजर नेम अब्दुरंचिता, उधर पे मुझे DM करके पूछ सकते हैं। और हर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो अब्दुरंचिता। थैंक यू, पीस।